पुस्तक का नाम जीवन साधना के सोपान। आत्मीय स्वजनों, अपने जीवन को सार्थक बनाने की दृष्टि से भी और विश्व हित साधना का पुण्य परमार्थ करने की दृष्टि से भी हमें सबसे पहले यह प्रयत्न करना चाहिए कि अपना व्यक्तित्व निर्दोष, निर्मल एवं निष्पाप हो। दोष, पाप और मल ही हमारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। उन्हें जितना ही हटाया या मिटाया जाएगा, उतनी ही अंतर ज्योति प्रदीप्त होती चलेगी और उसके प्रकाश में जीवन का प्रत्येक वस्तु प्रकाशवान बनता चलेगा। इस प्रकाश में भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति की सभी समस्याएं अपने आप ही सुलझती चलेंगी। प्रस्तुत संग्रह में जीवन साधना के सोपान विषय पर आधारित सतवाक्यों का संकलन परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में से किया गया है। इन आदर्श वाक्यों का उपयोग गांव शहर के सभी गली मोहल्लों, देवालयों, शक्तिपीठों, घरों, चौराहों, पार्किंग स्थलों, सार्वजनिक स्थानों अथवा उन उपयुक्त स्थानों में किया जाना चाहिए जहां से जन सामान्य प्रेरणाप्रद विचारों से शिक्षा ग्रहण करें। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सद्वाक्य के लेखन के माध्यम से हम अपने आराध्य इष्ट देव के जिन विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका प्रस्तुतिकरण मार्मिक, आकर्षक सुलिपि में और सुस्पष्ट लिखे गए हों। सद्वाक्यों का आकार प्रकार कैसा हो, इस संबंध में भी वहाँ की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ पेंटर से अथवा फ्लेक्स प्रिंट भी सद्वाक्य के लेखन आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ज्ञान दान की यह स्वस्थ परंपरा और विचार सेवा आत्मीय परिजनों के लिए एक सर्वोत्तम सुअवसर है। इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी के शुभाशीष ग्रहण करें। साधना का तात्पर्य है आत्मानुशासन। साधना का अर्थ है अपने को अनगढ़ से सुगढ़ बनाना। आत्मा की उत्कृष्टता संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है। अचेतन का परिष्कार एवं स्व का आभार है साधना। जीवन से भागो नहीं, वरन समझदारी से जियो। वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है। भाग्य पर नहीं, चरित्र पर निर्भर रहो। आत्म परिष्कार का नाम ही जीवन साधना है। ज्ञान और विवेक की साधना करें। तप का तात्पर्य है दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। योग का तात्पर्य है सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। देवत्व साधना से मिलता है। मनुष्य अपनी सृजिता की तरह सामर्थ्यवान है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जल से शरीर की और सत्याचरण से मन की शुद्धि होती है। मनुष्य शरीर में देवत्व का जागरण ही सच्ची साधना है। अपने जीवन को प्यार करो तो वह तुम्हें प्यार करेगा। सदाचार की शक्ति अनाचार से हजार गुना बढ़कर है। मनन भटके मन का ध्रुवतारा है। अंतःकरण का वैभव है प्रेम। मस्तिष्क का धन है ज्ञान। शरीर का वर्चस्व है बल। कार्यपरायण समय ही सार्थक है। चरित्रवान का वैभव कभी क्षीण नहीं होता। समय का सदुपयोग ही उन्नति का मूल मंत्र है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं वरन दृष्टिकोण है। गीता, गुरु और गोविंद में अविचल श्रद्धा रखिए। प्राणी मात्र पर दया भावना रखिए। साधु वह है जिसने स्वयं को साध लिया। मन ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर और अल्प भाषण कीजिए। जीवन को निरर्थक पिता देना
एक आध्यात्मिक अपराध है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ जीवन नीति है। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण है। शिष्टता का अर्थ है प्रत्येक के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार। बिना धर्म के अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। बिना सत्य के शिवम और सुंदरम का कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाएं। ज्ञान की सार्थकता कर्म में है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण है। सच्चा मित्र वह है जो बुराइयों से बचावे। आत्मा की पुकार सबसे बड़ी है, उसे ठुकराए नहीं। आलस्य से बढ़कर अधिक समीपवर्ती एवं घातक शत्रु दूसरा नहीं। आत्मा को आनंद की अनुभूति का एकमात्र साधन है परमार्थ। आत्मा का कल्याण करना ही मनुष्य का धर्म है। आत्म जिज्ञासा से रहित जीवन भार स्वरूप है। मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा आवश्यक धर्म तथा कर्तव्य है। क्षणभंगुर जीवन का दुरुपयोग न हो। आत्मोन्नति का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर चलिए। सत्कर्म ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। आत्मा की पुकार अनसुनी न करें। शिष्टाचार हमारे सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। धर्म का प्रधान चिन्ह है सदाचार एवं कर्तव्य पालन। धर्म का उद्देश्य मानव को पथ भ्रष्ट होने से बचाना है। अज्ञान का अंधकार मृत्यु के अंधकार से भयानक होता है। जो निरअहंकार है वही बुद्धिमान है। सेवा विहीन जीवन निंदनीय है। दरिद्र वही है जिसकी तृष्णा विशाल है। तृष्णा जीवन को दुखदायी बना देती है। लोभी ही सबसे बड़ा गरीब होता है। परहित कर सकना सौभाग्य का चिन्ह है। स्व कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है। अन्याय करने की तरह अन्याय सहना पाप है। बिना पुरुषार्थ की कमाई अनैतिक है। रोग, पाप एवं शत्रु की उपेक्षा बिल्कुल न करें। स्वयं अपने संबंध में न जानने के कारण ही मनुष्य भटकता है। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। भाग्य भी कर्म का ही प्रतिफल है। विवेक हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। अपने दृष्टिकोण को सदैव पवित्र रखो। अस्वच्छता जीवन को गुणहीन बना देती है। स्वच्छता एक साधना है, मनोवृत्ति का परिष्कार है। अपने मनोबल को गिरना धीमी आत्महत्या के समान है। हंसिए जी खोलकर और स्वस्थ रहिए जीवन भर। दृष्टि और कल्पना में विकारों का विष न मिलावे। सुखी जीवन का मूलाधार है सदाचार। सच्चा सम्मान गुणवान को ही प्राप्त होता है। सफलता स्वयं उतनी आनंददायक नहीं है जितनी कि उसकी साधना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते जीवन व्यतीत करो। सुख का मूल मंत्र है निर्भयता और दुख का कारण है अधैर्य। सुख और दुख दृष्टिकोण मात्र है। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तम अंधकार और सत ही प्रकाश है। सत को धारण करने का प्रयत्न ही साधना है। साधना रूपी औषधि तभी काम करती है जब आत्म सुधार रूपी पथ्य का समुचित ध्यान रखा जाए। जीवन की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण साधना है अपने तमस का ज्ञान होना। साधना का अर्थ है कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए भी सत प्रयास जारी रखना। आत्म सुधार के लिए स्वयं प्रयत्नरत रहने का प्रयास ही जीवन साधना है। साधना एक पराक्रम संघर्ष है जो अपने ही दुष्प्रवृत्तियों से करना होता है। कल की चिंता कर मत घबराओ, वह आपकी फिक्र स्वयं कर लेगा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य
धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश है। जीवन का अर्थ है उत्सर्ग, अपनी सभी क्षमताएं लोक मंगल के लिए अर्पित कर देना ही वास्तविक जीवन है। सच्चा आनंद, सुख, संतोष और शांति मनुष्यता की उपासना में है। अपने विचारों को पवित्र रखो, धर्म का तत्व इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है। मानवता की सेवा से बढ़कर और कोई काम बड़ा नहीं हो सकता। आचरण शुद्धता को कठिन परिस्थितियों में भी न छोड़ना व्रत है। जैसे प्रकाश का न होना ही अंधकार है, उसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना ही दुख है। सद्गुण, सत्कर्म, शील, धर्म पालन का सच्चा मूल्यांकन है श्रद्धा। भोग वासनाएं मनुष्य जीवन को भ्रष्ट करने वाली भयंकर दुष्प्रवृत्तियां हैं। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करना धर्म का प्रधान चिन्ह है। दिव्य जीवन का अर्थ है मानवीय सद्गुणों से समृद्ध शुद्ध जीवन। उद्देश्य पूर्ण जीवन बिताएं और अपने लक्ष्य को लेकर जीवित रहिए। सतोगुण आत्मबल बढ़ाने वाला और आंतरिक शक्ति की सृष्टि करने वाला है। मन और शरीर आत्मा के वस्त्र हैं। इन वस्त्रों के मैलेपन पर तीव्र दृष्टि रखना और बार बार धोते रहना आवश्यक है। जीव आत्मा के भले बुरे कर्मों का साक्षी देने वाले आंतरिक तंत्र का नाम अंतःकरण है।